हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति। आज हम पढ़ेंगे पे स्पेशल में। यदि आपका कोई, मान लीजिए आपने कुछ भी चीज इंक्रीज करनी है, इंक्रीमेंट करना है किसी भी मैटर में जो पहले से ही आपका बना हुआ है। जैसे यहाँ पर बेसिक है, मुझे सभी की बेसिक इंक्रीज करनी है, मुझे किसी का यहाँ पर सैलरी डिक्रीज करनी है, तो आप किस तरीके से पे स्पेशल के थ्रू ये कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी शीट है, यहाँ पर बेसिक सभी की दी हुई है। अब मैं चाहती हूँ ये मेरे तीन एम्प्लॉय जो है, इन तीनों की सैलरी, अक्षय की सैलरी 500 से इंक्रीमेंट हो जाए, आशु की सैलरी 1000 से इंक्रीमेंट हो जाए और दक्ष की सैलरी 800 से इंक्रीमेंट हो जाए। इतना समझ गए होंगे आप किस तरीके से। तो इसमें जो नोट करने वाली बात है, पे स्पेशल में आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी कि आपका सही से पे स्पेशल हो, उसके लिए आपको बेसिकली इतना याद रखना है, जिस मैटर को आपने चेंज करने के बाद अपडेट करना है। जैसे मुझे बेसिक बढ़ानी है तो कितने से बढ़ानी है, यानी मुझे चेंज क्या करना है, इतने से उसको ऐड करना है, जोड़ना है पहले वाले डेटा के अंदर। तो सबसे पहले उस डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे और उसको करेंगे राइट क्लिक और आप कर देंगे कॉपी। यानी जो चेंजेस करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके क्या कर लेंगे, कॉपी। और जहां पर आपको चेंजेस करने हैं, यानी आपने इन सबकी सैलरी, यानी इन तीन एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर बढ़ानी है, तो उस दूसरे मैटर को जहां पर चेंजेस होने चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे पे स्पेशल में, ताकि आपका पे स्पेशल सही से रन करे, सही से आपका जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस हो जाए। अब मुझे इन तीनों एम्प्लॉयज का सैलरी में बेसिक में क्या करना है, इंक्रीमेंट। पहले मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया, फिर कहाँ पर करना है ये इंक्रीमेंट, वो पहले मैं दोबारा सेकंड स्टेप में मैंने वो मैटर सिलेक्ट किया कि मुझे यहाँ करना है, जो एम्प्टी सेल छोड़े यानी उनकी सैलरी मुझे इंक्रीमेंट, उसमें इंक्रीमेंट नहीं करना। आप पेस्ट में जाइए थर्ड स्टेप में, उसके बाद आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में आपका ऑप्शन आएगा एड, जैसे ही आप ऐड करके ओके करेंगे, देखिए 50,500 है इसकी सैलरी, इसकी है 75,000, इसकी है 75,000। ओके कर दीजिएगा, देखिए इसकी सैलरी चेंज हो गई, इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। ना समझ गए, बाकी आपका एज यूजल है। हमने देखा था ये मेरा 50,500 था, ये मेरा 76,000 था, ये मेरा 25,000 था, तीनों की सैलरी आपकी बढ़ गई। अब मैं चाहती हूँ कि एक एम्प्लॉय की सैलरी मुझे डिक्रीज करनी है, डिक्रीमेंट करना है एक एम्प्लॉय का, तो आपको जो चेंजेस करने हैं आप उसको सिलेक्ट करके उसे क्या करेंगे, आप कॉपी। अब मुझे किसका यहाँ पर डिक्रीमेंट, सुषमा की सैलरी में 200 रुपए का, 200 का क्या करना है, डिक्रीमेंट। ये सिलेक्ट कर लिया, जो चेंजेस करने, जहां चेंजेस करने सेकेंड स्टेप में उस पोर्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। एम्प्टी सेल है यानी और किसी की सैलरी मेरे को डिटेक्ट नहीं करनी, डिक्रीमेंट नहीं करना किसी का, तो वो चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ सुषमा की सैलरी में चेंजेस होंगे कि 200 से इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आप जाएंगे थर्ड स्टेप में पे स्पेशल पर, पे स्पेशल में गए, यहाँ ऑप्शन आएगा आपका सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें घटाना है। ओके कर दीजिएगा, देखिए ये आपका 25,000 से क्या हो गया, 24,800, इतना समझ गए होंगे। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, ये तो हो गया कि पर्टिकुलर अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। अगर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करना है, जैसे मुझे 10% किसी की सैलरी बढ़ानी है या 5% बढ़ानी है, मुझे किसी की सैलरी में चेंज ही नहीं करना है, यानी उसकी सैलरी 100% है तो 100 की 100 ही छोड़ देनी है। 100% कैसे लिखेंगे, 100/100 क्या आ गया आपका, 1, यानी जहां पर 1 लिखा हुआ है उसकी सैलरी को मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करने। यहाँ मैंने सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी इसकी चेंज करी है, मान लीजिए इसकी सैलरी 100 जो परसेंट थी वो होगी 100/100, मैंने यदि 10% बढ़ाई तो कितनी हो गई, 110, यानी बढ़ी हुई सैलरी उसकी होगी 110 और पहले कितनी थी 100, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10%, ये 110% आ गया। यानी किसी चीज का 110% निकालना है तो यानी 1.1, मुझे 20% निकालना है तो यानी पहले 100 था, अब 20% बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, 120, यानी 120% को क्या लिखोगे, 120/100, यानी 1.2 का मतलब 20%, 1.1 का मतलब आपका 10% का इंक्रीमेंट हुआ। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे,
जो मुझे चेंजेस करने हैं पहले उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे कर लेंगे आप कॉपी। सिर्फ मुझे प्रीति की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट करना है और जहां चेंजेस करने हैं सेकंड स्टेप में आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये प्रीति की सैलरी देखिए 62,500 है। आप थर्ड स्टेप में जाएंगे आप पेस्ट पर, यहाँ पर आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर। पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पर क्लिक करना है किस पर, मल्टीप्लाई पे, कि हम इसको इतना परसेंट करना चाहते हैं। ओके कर दीजिएगा। देखिए इसकी सैलरी प्रीति की चेंज होकर हो गई 68,750, जो कि 62,500 थी, इतना समझ गए होंगे आप। अब इसी में हम पढ़ेंगे आगे कि मान लीजिए पर्टिकुलरली कुछ एम्प्लॉयज ने अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लिया। दो एम्प्लॉयज है, दक्ष का जो डिपार्टमेंट था पहले सेल्स था, प्रीति का जो डिपार्टमेंट था पहले अकाउंटिंग था। अब दक्ष तो चला गया है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में और प्रीति ने चेंज करके अपना डिपार्टमेंट क्या कर लिया, सेल्स। तो ये जो चेंजेस है सभी में ना होकर सिर्फ दो ही एम्प्लॉयज ने अपना डिपार्टमेंट चेंज करा है, तो आप क्या करेंगे, जो चेंजेस करने उसी सीक्वेंस में, जैसे ये पांच एम्प्लॉय है इनका चेंजेस नहीं करना, उनके सेल आप खाली एम्प्टी छोड़ देंगे, जहाँ चेंजेस करने वो आप टाइप कर दोगे। तो पांच ही सेल बन गए, इस पे आप राइट क्लिक करोगे कॉपी की, ये चेंजेस करने और कहाँ पर करने हैं आपको चेंजेस, सेकंड स्टेप में आप उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए थर्ड और फोर्थ नंबर पे, यानी थर्ड दक्ष का जो होनी चाहिए डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हो गया है और प्रीति का डिपार्टमेंट क्या हो गया है आपका, सेल्स। ना समझ गए, आप जाएंगे थर्ड स्टेप में पेस्ट में, देन पेस्ट स्पेशल, आप यहाँ जाइए और यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्किप ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक है उनको छोड़ देगा, स्किप कर देगा और बाकी जो है आपका पेस्ट हो जाएगा मैटर। ओके कर दीजिएगा। अब देखिए दक्ष का डिपार्टमेंट क्या हो गया, अकाउंटिंग, और प्रीति का डिपार्टमेंट चेंज होके क्या हो गया, सेल्स। इतना समझ गए होंगे। इसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोज। जैसे ये ट्रांसपोज के लिए मैंने अलग से शीट बनाई है, ये देखिएगा ट्रांसपोज वाली शीट मेरी, ये मेरी शीट है, ये डाटा मेरा कॉलम्स में है, एम्प्लॉय नेम एड्रेस मोबाइल नंबर। ट्रांसपोज में आप कॉलम के डाटा को यदि रो में अरेंज करना चाहें तो आप ट्रांसपोज के थ्रू करेंगे। इस मैटर को मैंने सिलेक्ट किया, पे स्पेशल है तो सबसे पहला स्टेप आप इसको क्या कर लेंगे, कॉपी, फिर जहां आपको पेस्ट करना है वहां कर देंगे क्लिक। आप पेस्ट में जाइएगा और पेस्ट स्पेशल में ही आपका ऑप्शन आएगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब ये देखिए चेंजेस क्या हो गए, एम्प्लॉय नेम कैसे था मेरा कॉलम में, अब ये कैसे आ गया रो में। एड्रेस कैसे शो हो रहा था हमारा कॉलम में, अब ये कैसे शो हो रहा है आपका रो में। इसी तरीके से मोबाइल नंबर हमारा कॉलम में था, अब कैसे शो हो रहा है ये हमारा रो में। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कॉलम के डाटा को आपको यहाँ पे शो कराना है रो में, तो आप किस तरीके से शो कराएंगे। हमारी आगे की एक्सेल एडवांस सीरीज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की हम आपको जितनी भी वीडियो है एक्सेल से रिलेटेड वो आपके पास भेज सके। थैंक यू।